विदिशा जिले के ग्यारसपुर में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का सागर जाते समय भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा सर्किट हाउस में स्वागत किया गया। मीडिया ने जब पर्यटन के क्षेत्र में ग्यारसपुर के विकास की बात की तो पर्यटन मंत्री ने कहा कि मेरी मंडल के कार्यकर्ताओं से बात हुई है। बिंदुवार ग्यारसपुर में ऐतिहासिक इमारतों और धरोहर के बारे में जानकारी तैयार कर भोपाल भिजवाए। मैं निश्चित ही सीएम से चर्चा करूंगी और ग्यारसपुर में पर्यटन क्षेत्र के अधिक से अधिक विकास के ही कार्य किए जाएंगे। ग्यारसपुर को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मंडल के अध्यक्ष राजेश यादव, महामंत्री रमेश कुशवा, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता बाबूलाल आदि मौजूद थे। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। अभी मेरे मंडल अध्यक्ष और मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मुझे अवगत कराया। मैं पूरा प्रस्ताव भैया से निवेदन करूंगी कि वो प्रस्ताव बिंदुवार मेरे पास विभाग में भेजें और जैसा हमारे कार्यकर्ता परिवार चाहेगा उस प्रकार से उसको विकसित करेंगे और इस ऐतिहासिक नगरी को नई पहचान। इस प्रकार सांची में केवल एक बौद्ध स्तूप है, हमारे ग्यारसपुर में 5-5 ऐतिहासिक इमारतें हैं, मगर इसके बाद भी डेवलपमेंट और यहाँ पर सीएम साहब खुद यहाँ पर निर्वाचन कई बार रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, इसके बावजूद भी डेवलपमेंट नहीं हो, लगातार 15 साल से आपकी सरकार, इसके बाद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अछूता बना हुआ विकास के मामले में पर्यटन क्षेत्र में। अभी देखिए कोरोना काल के कारण थोड़ा सा आर्थिक संकट जरूर है, पर मैं विश्वास दिलाती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ घोषणाएँ की संस्कृति विभाग को लेकर, उन सब का अक्षरशः पालन मैं करवाऊँगी, ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। जी ग्यारसपुर और ग्यारसपुर क्षेत्रों की काफ़ी समय से मांग रही लगातार, मगर आश्वासन सभी देते, इस बार क्या इस आश्वासन पूरा हो पाएगा, क्योंकि राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, आशाएँ काफ़ी जनता से लगातार आपको कई सालों से जिताते आ रहे हैं, इसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा। अवश्य आपको भरोसा रखना जरूर करें। दीदी नवजात को लेके क्या विचार हैं आपके सरकार? नवजात को लेकर जो कठोर कानून बनाया जा रहा है इसका मैं बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि प्रेम जैसा पवित्र शब्द यदि कोई उसको शोषण का माध्यम बनाए, धोखाधड़ी का माध्यम बनाए, तो ऐसी दुष्टात्माओं को कठोरतम दंड मिलना ही चाहिए। दीदी एक वर्ग विशेष कह रहा है कि उसे जो है प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहेंगी आप? अब उसको जो कहना है वो कहता रहे, पर हमें तो बहनों की चिंता है, मातृशक्ति की चिंता है, उसके जीवन का संरक्षण संवर्धन, उसका मान सम्मान बहुत ज़रूरी है, इसलिए मानवता के हित में ये कानून बनने जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।